बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम समोसे बना रहे हैं रमज़ान के लिए। एक पाव मैदा लिया है, तो इसमें हमने शामिल करना है तकरीबन अपने हिसाब से नमक मिर्च शामिल करी हूँ, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अजवाइन हाफ़ टी स्पून है। अच्छा, इसमें ना एक पाव मैदा में 50 ग्राम मेल्टेड घी जाएगा। ये ऑयल नहीं है, ये घी है, ठीक है। और इसको मेल्ट कर लीजिएगा, जमा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेल्ट करने के बाद आपने नापना है 50 ग्राम। इसको सबसे पहले हमने मिक्स करना है अच्छी तरह। पानी अभी नहीं शामिल होगा क्योंकि 50 ग्राम जो है वो, ये मेजरिंग जो स्पून्स होते हैं ये 6 खाने के चम्मच, अब घर का चम्मच नहीं ले लीजिएगा। तो अब ठीक है, इस तरह करने के बाद जब देखें ना, ये देखें बुरबुरा बनाया ना मैदे में, थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसका सख्त सा डो तैयार कर लेना है। देखिए, सख्त सा डो हमने तैयार कर लिया है समोसों के लिए। आपको मैं बताती हूँ, देखिए इतना सख्त करना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं, बाकी की तैयारी की तरफ हम चलते हैं। इसको ढक कर रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 खाने का चम्मच घी, वो आटा मैंने गूंद के रखा है ना जो समोसों के लिए। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक पिसा हुआ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच के करीब प्याज, आधा प्याज है ये, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या डालना है, अभी 1 मिनट हुआ है हमने इसको लहसुन और अदरक प्याज को डाला है, लेकिन 1 मिनट हुआ है ये मैं बता दूँ आपको। ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना, बस सोते करना है। 4 खाने के चम्मच के लिए 4 हरी मिर्चें हैं बारीक काट ली है मैंने, और 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, ये घर की सूखी हुई है इसलिए इसमें मिट्टी नहीं है। अगर आपने बाज़ार के लिए नहीं तो उसको धो लाजमी लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच हमने कसूरी मेथी, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच हमने अनारदाना और आधा कप पुदीना, ठीक है। ये फिलिंग तैयार हो रही है, इसको मिक्स करते हैं। और आलू देख रहे हैं आप, आलू हैं छोटे छोटे साइज़ के 6 तकरीबन, अगर आप इसको नापेंगे तो ये 300 ग्राम होंगे। और इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं करना, इसको छिलके समेत ही हमने पकाना है और छिलके समेत ही हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। इसको हाथों से इस तरह मचोड़ लें, ठीक है, इस तरह कर लें। बहुत ही फिसी हुई इसकी फीलिंग नहीं होती, थोड़े मोटे मोटे आलू जो है ना फीलिंग में अच्छे लगते हैं, ठीक है। चूल्हा थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है, 1 मिनट तक हमने इसको मिक्स करना है, 1 मिनट तक, ठीक है। चलें अब चूल्हा बंद कर दें। 1 मिनट हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, आटे की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा फिर और मसल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आटा गूंदा गया है। अब हम इनके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हम अब इसके कट कर लेते हैं छोटे छोटे पेड़े, बिस्मिल्लाह, 1 साइज़ के पेड़े करके मैंने रख लिए। इनको ढक दें ताकि इस पर पपड़ी ना जमे, तो इसको हम बेल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, मैंने बेल लिया है और इस समोसे को हमने, जैसे नॉर्मली हम समोसे बनाते हैं वैसी शेप नहीं है, तो ये बहुत बड़ी समोसे की एक शॉप है जिनके समोसे इतने बिकते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल में आधे घंटे में उनके काफ़ी ज़्यादा मनों के हिसाब से समोसे बिक जाते हैं, उनकी ये शेप है। तो शेप मैं आज चेंज करूँगी, उनकी कॉपी करूँगी जिनके बिकते हैं ज़्यादा, और हमने भी खाए हैं, बड़े मज़े के होते हैं। आलू के समोसे जो है ना इस शेप के मिलते हैं उनके, ठीक है। तो आज हम शेप चेंज करेंगे और वो शेप हम छोड़ देंगे, ठीक है, जो इससे पहले हम समोसों की अक्सर शेप बनाते हैं। तो इसमें अमेज़ा रखा जो हमने आपको तैयार करके बताया था, ठीक है। अब ये शेप जो है वो अमेज़ा मैंने ज़्यादा डाल लिया उसमें, खैर ना। अच्छा, ये ना निकलनी नहीं चाहिए इसकी, इस तरह की होनी चाहिए फीलिंग। अच्छा, ये शेप थी उनकी, पहले तो इसको दबाते हैं।
ठीक है, ये शेप है उनकी, जोर से मैं दबा दूँ कहीं मेरा ही ना समोसा निकल जाए शेप के चक्कर च, ठीक है। तो इसी तरह हम समोसों को बनाते हैं। अच्छा, जब आप रमज़ान में इस तरह के काम करें ना, तो किसी को हेल्प के लिए बुला लिया करें जैसे मैंने उज़्मा को बुला लिया तो उज़्मा जब आके की उज़्मा फीलिंग करेगी समोसों की। आलिया ना ठीक है नीज़ा? सही है। आपको क्या पता हम कैमरे के पीछे यही करते हैं, तो आज मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अक्सर औकात में एक चीज़ बताते ना, ये ऐसे करना है, थोड़ी सी हेल्प उज़्मा कर ही देती है कि चल मैं कर लें काम जल्दी मुका ली देखो कितना खूबसूरत सही वट पाए ने। ये देखें सारे समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। इसी तरह आपने शक्ल शेप बनानी। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया है लेकिन आपने स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर नहीं करना, और थोड़ा उल्टा करके ना, ये जो शेप है ना इसको उल्टा करके। और हमारी कढ़ाई ज़रा छोटी है और हमारी तो इसमें हमने सिर्फ 3 ही समोसे डालने हैं। अच्छा, ये देखें एक साइड हमने जब आपने देखा था ना शेप के हिसाब से वो मैंने पलटा था, देखें कितना खूबसूरत कलर आया अभी। तो अब हम इनको साइड चेंज कर लेते हैं, लेकिन मैंने फ्लेम स्लो रखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, और जितना स्लो फ्लेम पर हम पकाएंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। ये देखें दोनों साइड से हमने फ्राई कर लिया है, देखें कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। वाओ माशाल्लाह, क्रिस्पी समोसे। देखिए समोसे तैयार हो गए हैं और हमने इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से शेप देकर इसको समोसे बनाए हैं। आपने भी, अगर आप शेप नहीं बन सकती तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी फीलिंग में भी बहुत टेस्ट है। फीलिंग को वैसे ही आपने फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। ओहो, ये तो गर्म है। अच्छा, उन्हें पंजाबी दसदा कि मैं ना एक पाव मैदा लिया सी, ते मैदे दे विच मैं अजवाइन ते नमक पा के ना, ते घ्यो पा के ना मेल्टेड उन मैं गुन लिया सी, ठीक है, सख्त जहा गुनना है। उस तो बाद हमेशा मैं तैयार किया वे लसन अदरक का पेस्ट पा के प्याज पा के, तो उन्होंने मैं वो किया भुनिया थोड़ा सा हल्का जहा एक मिनट का। उस तो बाद सारिया चीज़ा जो कुटी दिया मिर्चा नमक जीरा सुक्का धनिया पुदीना वगैरह सारा पा के अनारदाना मिक्स किया, तो उस तो बाद एक मिनट उन्होंने पकाया वे मिक्स किया, तो नाल ही ना फिर उस तो बाद तो वो मैं फीलिंग जो ना ठंडी करने के बाद मैं फीलिंग की है समोसे की शेप दी है नाल उस मैंने हेल्प की है तो वो मैं हरी चटनी बनाई है। देखो किन्ने जबरदस्त मसाला बने ने, यकीन करो मैं तुम्हें तोड़ के दस क्रिस्पी देखो किन्ना है, तुआ देख रहे हो है, तुआ नज़र आ रहा उसमें नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार समोसा बनया, ट्राई करके मैं दसना तुम रेसिपी कैसी लगी, अपनी दाऊ से याद रख लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।